जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे कब टीएचई को दी और कब दा बोले। जब दा के बाद कोई भी ऐसा वर्ड आए जिसका साउंड या फिर वो वर्ड ही किसी वॉवल से स्टार्ट हो, वॉवल दैट मीन ए ई आई ओ यू, अगर कोई भी वर्ड दा के बाद वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसको हम तब टीएचई को दी बोलेंगे, दा नहीं। और अगर टीएचई दा के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट हो या उसका प्रोनंसिएशन ही कॉन्सोनेंट से हो तो उसको हम टीएचई को दा बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस शेप, फिल्म्स के लास्ट में आपने देखा होगा उसमें आता है द एंड करके, तो उसको हम द एंड नहीं दी एंड बोलेंगे। किस लिए? क्योंकि द के बाद जो वर्ड आया हुआ है एंड वो वॉवल से स्टार्ट है ई एन डी, इसलिए इसको हम दी एंड बोलेंगे, दी एंड। और एक और एग्जांपल देख लेंगे, जैसे हाउस है, हाउस आपका जो द के बाद जो वर्ड आया हाउस, हाउस आपका एच से स्टार्ट है, इसे बोलेंगे द हाउस। जैसे ऑरेंज है इसको दी ऑरेंज बोलेंगे, क्यों? क्योंकि द के बाद जो वर्ड आया है वो ओ से स्टार्ट है, ओ दैट मीन वॉवल। थैंक्स।